गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, हम पढ़ रहे थे थ्री फेज इंडक्शन मोटर स्टार्टर, जिसमें हम लोग पढ़ चुके थे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, और सेकंड हमने पढ़ा था आपका स्टार डेल्टा स्टार्टर। उसी में हम आज आगे पढ़ते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर क्या होता है और ये किस तरीके से वर्क करता है। तो आपको मैं बता दूं कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर इज सूटेबल फॉर बोथ स्टार डेल्टा कनेक्टेड मोटर। जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है वो स्टार और डेल्टा कनेक्शन मोटर दोनों के लिए ही क्या होता है, अच्छा होता है। इन दिस मेथड द स्टार्टिंग करंट इज लिमिटेड बाय यूजिंग ए थ्री फेज ऑटो ट्रांसफार्मर टू रिड्यूस द इनिशियल स्टेटर अप्लाइड वोल्टेज। सो द मोटर विद द ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर, द ऑटो ट्रांसफार्मर इज प्रोवाइड विद ए नंबर ऑफ टेपिंग। जैसा कि आपको यहाँ पर डायग्राम में दिखाया गया है कि ऑटो ट्रांसफार्मर में अलग अलग टाइप्स की क्या की जाती हैं, टेपिंग की जाती हैं, और उससे हम अप्लाइड वोल्टेज को क्या करते हैं, कंट्रोल करते हैं। अब ये कंट्रोलिंग हम किस तरीके से करते हैं इसको हम समझते हैं। द स्टेटर इज कनेक्टेड टू वन पर्टिकुलर टैपिंग टू ऑब्टेन द मोस्ट सूटेबल स्टार्टिंग वोल्टेज। जो वोल्टेज आपको यहाँ पर देना होता है सप्लाई वोल्टेज या इंडक्शन मोटर को, उसी पर आप क्या करते हो, उस ऑटो ट्रांसफार्मर की टेपिंग करते हैं। और हम एक डबल थ्रो स्विच को यहाँ पर कनेक्ट किया हुआ है और इसका हम यूज करते हैं ऑटो ट्रांसफार्मर को स्टार्टिंग सर्किट के लिए। जब भी आप इसके हैंडल को, व्हेन हैंडल एच ऑफ द स्विच एस द स्टार्टिंग पोजीशन, आप एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग इस हैंडल एच को कहाँ पर रखते हैं, स्टार्टिंग पोजीशन पे रखते हैं। जैसे ही आप इसको स्टार्टिंग पोजीशन पे रखते हैं, जो इसकी प्राइमरी वाइंडिंग होती है वो किससे कनेक्ट हो जाती है, ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हो जाती है टू द सप्लाई लाइन, एंड द मोटर इज कनेक्टेड टू द सेकेंडरी ऑफ द ऑटो ट्रांसफार्मर। तो प्राइमरी वाइंडिंग इसकी ऑटो ट्रांसफार्मर से कनेक्ट हो जाती है, और जो ऑटो ट्रांसफार्मर की सेकेंडरी वाइंडिंग होती है वो किससे कनेक्ट हो जाती है, आपकी मोटर की थ्री फेज सप्लाई से कनेक्ट हो जाती है, और आपकी मोटर को थ्री फेज सप्लाई मिलने लगती है। और वो धीरे धीरे, क्योंकि आपको पता है कि थ्री फेज सप्लाई कैसी होती है, सेल्फ रोटेटिंग होती है, वहाँ पे सेल्फ रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होता है जिसकी वजह से आपकी स्टेटर या इंडक्शन मोटर क्या करने लगता है, रोटेट करने लगता है, और धीरे धीरे स्टेटर मोटर की स्पीड जो होती जाती है वो क्या होती जाती है, इंक्रीज होती जाती है। और जैसे ही वो 80% ऑफ रेटेड स्पीड को क्या करता है, अचीव करता है, वैसे ही हम इस डबल थ्रो स्विच से इसको स्टार्टिंग कंडीशन से कहाँ पे लेके आ जाते हैं, रनिंग कंडीशन में लेके आ जाते हैं। और इससे होता यह है कि जो आपका थ्री फेज इंडक्शन मोटर विद द हेल्प ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर हमने स्टार्ट किया था, ये ऑटो ट्रांसफार्मर सप्लाई से पूरी तरह क्या हो जाता है, डिसकनेक्ट हो जाता है, और आपकी मोटर को सीधे डायरेक्टली क्या मिलने लगता है, थ्री फेज सप्लाई मिलने लगता है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, ऑटो ट्रांसफार्मर से अपने इंडक्शन मोटर को स्टार्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे जो हैंडल होता है आपका रनिंग पोजीशन में, इसमें दो सेफ्टी पर्पस पी का भी हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। एक होती है आपकी अंडर वोल्टेज से सेफ्टी या अंडर वोल्टेज प्रोटेक्शन, और दूसरा ओवरलोड प्रोटेक्शन। तो अंडर लोड प्रोटेक्शन में जैसे ही वोल्टेज की वैल्यू, एक आपने जो वहाँ पर वैल्यू डिफाइन की है उस वैल्यू से जैसे ही सर्टेन वैल्यू से कम होती है, तो ये जो हैंडल होता है वो क्या हो जाता है, ऑटोमेटिकली रिलीज हो जाता है, या बोलना चाहिए उसमें उतनी अट्रैक्शन फोर्स नहीं रहती कि वो उस हैंडल को क्या कर सके, होल्ड करके रख सके। तो आपका जो हैंडल होता है वो रिलीज हो जाता है, और जैसे ही वो रिलीज होता है आपका जो स्विच होता है वो ऑफ पोजीशन में पहुंच जाता है, और आपकी जो इंडक्शन मोटर होती है वो ऑटोमेटिकली बंद हो जाती है। दूसरा होता है आपका ओवरलोड प्रोटेक्शन।
तो ओवरलोड प्रोटेक्शन, जैसे ही आपकी मोटर ओवरलोडेड हो जाती है तो उसमें क्या फ्लो होने लगेगा, एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने लगेगा, और उस एक्स्ट्रा करंट फ्लो होने की वजह से वहाँ पर क्या होने लगती है, हीट जनरेट होने लगती है। तो यहाँ पर हम एक थर्मल ओवरलोड रिले को यूज़ करते हैं, और उस थर्मल ओवरलोड रिले की वजह से वहाँ पे क्या हो जाता है, वो उसको सेंस करता है। जैसे ही अमाउंट से ज़्यादा करंट फ्लो होने लगता है, वो इस मोटर को क्या कर देता है, ओपन कर देता है, या सर्किट ब्रेकर जो रहते हैं वो ओपन हो जाते हैं, जिससे आपका जो हैंडल होता है वो क्या हो जाता है, रिलीज हो जाता है, और आपकी मोटर सेफ हो जाती है। तो ये आपका ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर की होल वर्किंग थी। अब हम पढ़ते हैं कि ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर का उसके टॉर्क और उसके स्टार्टिंग करंट पर क्या इफेक्ट होता है, या वो कितने परसेंट रिड्यूस हो जाता है जब हम डायरेक्ट स्विचिंग या डायरेक्ट उसको क्या देते हैं, लोड या उसको कनेक्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम फिर से कुछ कंसिडरेशन करेंगे, जैसा कि आपने पहले के भी आपके स्टार्टर्स में कंसिडरेशन किया था। यहाँ पर ZE10 का रिप्रेजेंटेशन होगा इक्वलेंट स्टैंड स्टिल इम्पीडेंस पर फेज ऑफ द मोटर रिफर टू द स्टेटर साइड, और V1 जो होगा यहाँ पर वो हमारा सप्लाई वोल्टेज पर फेज को रिप्रेजेंट करेगा। तो अब हम इसके अकॉर्डिंग इसकी वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग नॉर्मल कंडीशन में कितना करंट होगा, और जब हम ऑटो ट्रांसफार्मर को कनेक्ट करते हैं तो उसकी वैल्यू में कितनी कमी आएगी। तो यहाँ पर सबसे पहले व्हेन द फुल लोड वोल्टेज V1 पर फेज इज अप्लाइड टू द डायरेक्ट स्विचिंग द स्टार्टिंग करंट ड्रॉन फ्रॉम द सप्लाई इज गिवन बाय, जब आप इसको डायरेक्ट कनेक्ट करोगे तो आपका करंट की वैल्यू क्या होगी, आई एट स्टार्टिंग करंट फॉर द लाइन वी अपॉन टोटल इम्पीडेंस ZE10। ये टोटल इम्पीडेंस मैं इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जो रोटर का भी इम्पीडेंस है उसको भी हमने प्राइमरी साइड पे क्या कर दिया है, हमने उसको शिफ्ट कर दिया या रेफर कर दिया है, और उसके बाद जो टोटल इक्वलेंट आपको इम्पीडेंस फाइंड आउट हुआ उसकी वैल्यू है ZE1। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जो लाइन करंट होगा उसकी वैल्यू होगी आपकी V1 अपॉन ZE10। दूसरा, जब आप ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू अपनी मोटर को स्टार्ट करेंगे तो आपको पता है कि यहाँ पर आपने क्या किया हुआ है, टेपिंग किया हुआ है, मतलब जितनी वोल्टेज की आपको रिक्वायरमेंट थी उतने ही वोल्टेज पर आपने उसको क्या कर दिया, जाकर टेपिंग किया। जैसे यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि पूरे के पूरे फेज वोल्टेज की वैल्यू क्या थी, V1, लेकिन ऑटो ट्रांसफार्मर में आपने सप्लाई के लिए कितने पे किया, उसके एक्स को ही क्या किया, एक्स वोल्टेज जो उसका एक्स पार्ट था उसी को सप्लाई वोल्टेज में दिया। तो अब आपके पास जो सप्लाई वोल्टेज से कितना हो जाएगा, XV1 ही वोल्टेज क्या होगा ऑटो ट्रांसफार्मर में आपका सप्लाई होगा। तो यहाँ पर आपका सप्लाइंग वोल्टेज की वैल्यू हो जाएगी XV1। सो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जो आपकी इंडक्शन मोटर के लिए स्टार्टिंग करंट होगा वो होगा XV1, और पूरा का पूरा इक्वलेंट इम्पिडेंस एज इट इज रहेगा तो उसकी वैल्यू रहेगी ZE10। तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर STM इज इक्वल्स टू हो जाएगा XV1 अपॉन ZE10। अब यहाँ पर आपको हमने ये क्या है आपका ट्रांसफार्मर, तो हम ट्रांसफार्मर रेशियो को यूज करेंगे। तो इन ए ट्रांसफार्मर द रेशियो ऑफ करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वोल्टेज रेशियो प्रोवाइड टू द नो लोड करंट इज निग्लेक्टेड। तो यहां पर हम नो लोड करंट को क्या करके चलेंगे, निग्लेक्ट करके चलेंगे, एंड वी नोट दैट द ट्रांसफार्मर रेशियो VI1 अपॉन I2 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन V1, एंड वी नो दैट I1 V1 इज इक्वल्स टू V2 अपॉन I2, क्योंकि ट्रांसफार्मर की प्राइमरी साइड और सेकेंडरी साइड की पावर में कोई भी डिफरेंस नहीं होता है, केवल वोल्टेज और करंट की वैल्यू ही क्या होती है, इंक्रीज और डिक्रीज होती है। तो अब इस इक्वेशन से आप क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, V1 I1 की वैल्यू, V1 उस समय स्टार्टिंग करंट कितना था, I1 STL, और जब आपने यहाँ पर सेकेंडरी तरफ उसके वोल्टेज को रिड्यूस किया तो उसकी वैल्यू क्या हो गई, XV1, और स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगा आपका, ISTM। तो V1 से V1 कैंसल आउट, तो जो
टोटल करंट आपका जो स्टार्टिंग नॉर्मल कंडीशन में फ्लो हो रहा था इज इक्वल्स टू किसके हो जाएगा, एक्स, जो आपका ऑटो ट्रांसफार्मर कनेक्ट करने पर उसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स आईस टी एम। अब यहां से हम आई वन एस टी की आपने वैल्यू फाइंड आउट कर ली, क्या आ गया आपके पास, एक्स आई एस टी एम, और अभी हमने आई एस टी एम की वैल्यू फाइंड आउट की है एक्स वी वन अपॉन जेड ई वन, तो इसकी वैल्यू हो जाएगी, अगर इसकी वैल्यू को आप पुट कर देंगे तो आपको इक्वेशन नंबर थ्री में पुट करेंगे तो आपको मिलेगा एक्स स्क्वायर वी वन अपॉन जेड ई वन। तो यहां से आपको क्लियर हो रहा है कि अगर आप स्टार्टिंग करंट विद ऑटो ट्रांसफार्मर का करंट और स्टार्टिंग करंट विद डायरेक्ट करंट, तो इन दोनों के बीच का जो रेशियो आता है वो किसके बराबर आता है, आपके एक्स स्क्वायर के रेशियो के बराबर आता है। तो यहां से हमने क्लियर हो गया कि स्टार्टिंग करंट विद ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टार्टिंग करंट विद डायरेक्ट स्विचिंग द रेशियो इज फाइंड आउट एक्स स्क्वायर। तो ये तो हो गई हमारे करंट की बात। अब हम बात करते हैं हमारे टॉर्क की। तो वी नो दैट कि टॉर्क डेवलप इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द अप्लाइड वोल्टेज। इससे पहले भी हमने क्लियर किया हुआ है कि जो टॉर्क डेवलप होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, आपके सप्लाई वोल्टेज के या अप्लाइड वोल्टेज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। सो वी राइट डाउन एस टी डायरेक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वी वन स्क्वायर, क्योंकि फर्स्ट कंडीशन में जब आपने सीधे सीधे उसको कनेक्ट किया हुआ है तो हमारे पास सप्लाई वोल्टेज क्या था, वी वन था। अब जब भी हम प्रोपोर्शनलिटी के साइन को रिमूव करते हैं तो वहां पर एक कॉन्स्टेंट टर्म को लेके आते हैं, इसलिए यहां पर एक कॉन्स्टेंट आया के टू। तो स्टार्टिंग टॉर्क आपका क्या हो जाएगा, के टू वी वन स्क्वायर, ये सिंपल कंडीशन में। अब जब आप अपने इंडक्शन मोटर को ऑटो ट्रांसफार्मर के थ्रू क्या कर रहे हैं, आप स्टार्ट कर रहे हैं, तो अब इस केस में हमारे सप्लाई वोल्टेज क्या था, एक्स वी वन था, तो जनरेटेड टॉर्क क्या हो जाएगा आपका, एक्स स्क्वायर वी वन का स्क्वायर, और यहां पे भी प्रोपोर्शनलिटी साइन है तो इसको भी रिमूव करने के लिए आपको क्या लगाना होगा, कॉन्स्टेंट लगाना होगा और उसकी वैल्यू होगी के टू। अब हम रेशियो फाइंड आउट करते हैं एट द टाइम ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर टॉर्क एंड डायरेक्ट टॉर्क, तो इसका भी रेशियो क्या आएगा आपको, एक्स स्क्वायर फाइंड आउट होगा। और यहां पर आपको इक्वेशन नंबर सेवन में फाइंड आउट हो रहा है कि स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ ऑटो ट्रांसफार्मर और स्टार्टिंग टॉर्क ऑफ डायरेक्ट इज इक्वल्स टू रेशियो ऑफ बिटवीन दीज टू टर्म्स इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर। सो वी से दैट द विद ऑटो ट्रांसफार्मर द मोटर करंट एट स्टार्टिंग इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, आई एस टी इज इक्वल्स टू एस एस सी, क्योंकि आपको पता है आई एस सी क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि जब तक हम उसको क्या नहीं करेंगे, शॉर्ट सर्किट नहीं करते हैं, उसके रोटर में क्या नहीं होता है, करंट फ्लो नहीं होता है, तो इसलिए स्टार्टिंग करंट क्या हो जाएगा, एस आई एस सी, शॉर्ट सर्किट करंट। सो आई एस टी एल इज इक्वल टू एक्स एक्स टी एम, ये हमने पहले से ही हमने इससे पहले डिफाइन किया हुआ है, तो यहां पर आप वैल्यू पुट करोगे तो x डॉट एक्स आई एस सी इज इक्वल टू, तो लाइन करंट का ये कितने टाइम गुना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर आई एस सी हो जाएगा। तो स्टार्टिंग टॉर्क और फुल लोड टॉर्क के बीच में आप रिलेशन फाइंड आउट करेंगे तो आई एस टी एम अपॉन आई फुल लोड का होल स्क्वायर इंटू एस एफ एल, क्योंकि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग जो आपका स्लिप होती है उसकी वैल्यू वन होती है और फुल लोड टॉर्क पर आपको कुछ ना कुछ स्लिप फाइंड आउट होगी। और अभी हमने प्रूफ किया है इक्वेशन नंबर नाइन में कि एस एस टी एल इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर आई एस टी, और इससे पहले आपने यहां पर देखा था कि आई एस टी एम इज इक्वल टू क्या था, एक्स आई एस सी, ये आपको इक्वेशन नंबर एट से फाइंड आउट हो रही है। तो इक्वेशन नंबर एट की वैल्यू को हम इक्वेशन नंबर या इस इक्वेशन में पुट कर देंगे तो हमको क्या मिलेगा, एक्स आई एस अपॉन आई एफ एल का होल स्क्वायर एस एफ एल। अब यहां पर एक्स स्क्वायर को आप कॉमन निकाल लेंगे तो एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग और फुल लोड स्टार्टिंग के लिए आपको जो रेशियो फाइंड आउट होगा वो होगा एक्स स्क्वायर आई एस सी अपॉन आई एफ एल का होल स्क्वायर एस एफ एल। अब ये इक्वेशन आपको शो कर रही है कि ऑटो ट्रांसफॉर्मर एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग करंट जो होगा आपका फ्रॉम द मेन सप्लाई एंड द स्टार्टिंग टॉर्क
जो भी आपका प्रोड्यूस होगा आर रिड्यूस टू, कितने टाइम वो रिड्यूस हो जा रहा है, एक्स स्क्वायर टाइम विद द कॉरस्पॉन्डिंग वैल्यू विद डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर। तो यहां पर जो आपके टॉर्क की वैल्यू है और जो करंट की वैल्यू है, वो जो हमारा डायरेक्ट स्टार्टर था या डायरेक्ट जो हम उसको स्टार्ट कर रहे थे, सीधे डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्ट कर रहे थे, उसकी वैल्यू से कितना रिड्यूस हो गया, 1/3 टाइम्स। और एक्स की वैल्यू अगर आप फाइंड आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√3, मतलब 58%। अगर आप इसको फाइंड आउट करेंगे तो ये मेन सप्लाई से 58% रिड्यूस हो जाएगा। तो जो हमारा स्टार डेल्टा स्टार्टर होता है और जो हमारा ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर होता है, उसमें हमारे टॉर्क और करंट की रेशियो क्या होता है, सेम होता है। लेकिन स्टार डेल्टा स्टार्टर इज मच चीपर देन ऑटो ट्रांसफार्मर। इसलिए मैंने आपको बताया था कि स्टार डेल्टा स्टार्टर का हम बहुत ही वाइडली यूज करते हैं इन स्मॉल एंड मीडियम साइज ऑफ मोटर। लेकिन जहां पर हमें लार्ज साइज ऑफ मोटर की रिक्वायरमेंट होती है या उसको स्टार्ट करने की बात आती है, तो वहां पर हम ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर को प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें स्टार्टिंग करंट और स्टार्टिंग टॉर्क की वैल्यू हमारे डायरेक्ट ऑनलाइन टॉर्क की वैल्यू से क्या हो जाती है, 1/√3 टाइम्स हमको फाइंड आउट होती है। और आपको पता है कि एट द टाइम ऑफ स्टार्टिंग हमको क्या करना है, क्योंकि उसमें बहुत ज्यादा करंट फ्लो होता है, उस करंट को हमको रिड्यूस करना है ताकि हमारी स्टेटर मोटर की वाइंडिंग या इंडक्शन मोटर की वाइंडिंग को कोई इफेक्ट ना हो। और जैसे ही आपकी क्या हो जाती है, मोटर स्टार्ट हो जाती है, वो रनिंग कंडीशन में आ जाती है, तो उसको हम क्या कर देते हैं, रिमूव कर देते हैं। तो इससे हमारी मोटर आसानी से रन करने लगती है। तो ये आपके तीनों स्टार्टर्स की प्रॉपर्टीज हो गई। वो कैसे करंट और उसमें टॉर्क की वैल्यू डिफाइन होती है, ये भी हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिया। तो ये आपका स्टार्टिंग ऑफ थ्री फेज मोटर का जो आपका टॉपिक है वो पूरी तरीके से कंप्लीट होता है। इसमें हमने तीनों स्टार्टर्स के बारे में स्टडी की है, डायरेक्ट ऑनलाइन स्टार्टर, स्टार डेल्टा स्टार्टर एंड ऑटो ट्रांसफार्मर स्टार्टर। उनका हमने सर्किट डायग्राम, कैसे वो वर्क करता है, करंट और उसके टॉर्क में क्या रिलेशन होता है, उन सभी चीज़ों को यहाँ पर फुल्ली डिस्क्राइब किया है। अगर आपको इस टॉपिक से कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे व्हाट्सएप के थ्रू पूछ सकते हैं। और ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू एंड फॉर न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल होंगे, जब तक आपको ये सारी चीज़ें समझ में नहीं आएंगी तब तक आप इसके न्यूमेरिकल्स को नहीं बना पाएंगे। तो थैंक यू स्टूडेंट्स, आज की क्लास हम यहीं समाप्त करते हैं। थैंक यू।